मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? सभी ठीक हैं? आज हम आपको हिंदी का पाठ 5 निज भाषा उन्नति पढ़ाएंगे। इस पाठ में लेखक ने अपनी भाषा और देश प्रेम के बारे में बताया है कि जो अपनी भाषा होती है वही सारी भाषाओं का मूल होती है। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिट नहीं कौसूल। अर्थात कि जो अपनी भाषा होती है, निज भाषा उन्नत यह है, अपनी जो भाषा होती है वो सभी उन्नतियों का मूल आधार होती है। बिना अपनी भाषा के ज्ञान के अपने अंदर के कष्टों को नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि अपनी बात को हम अच्छी प्रकार से अपनी भाषा में ही कह सकते हैं। दूसरा है आपका दोहा इसका, करहूँ विलंबन भ्रातयावा, उठहूँ मिटावहूँ शूल, निज भाषा उन्नत करहूँ प्रथम जो सबको मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हे भाइयों, अब आप विलंब मत करिए, उठिए, जागिए और अपनी हृदय में जो कष्ट है अपनी भाषा को लेकर उसे दूर कीजिए, क्योंकि निज भाषा उन्नत करहूँ प्रथम जो सबको मूल। क्योंकि जो अपनी भाषा है सबसे पहले हमें उसी का उद्धार करना है, उसी का विकास करना है, क्योंकि वही सबका मूल मंत्र है। तीसरा दोहा, प्रचलित करहूँ जहानों में निज भाषा कर जत्न, राज काज दरबार में फैलावहुँ यह रत्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हे भाइयों, प्रचलित करो जहान में, इस सारे संसार में इसका प्रचलन करो, फैलाओ, निज भाषा कर जत्न, किसी भी माध्यम से पूरे प्रयास करके अपनी भाषा को पूरे संसार में फैलाओ। राज काज दरबार में फैलावहुँ यह रत्न, क्योंकि हमारी जो भाषा है वो क्या है, रत्न है। उसको हमें राज्य में, राज दरबार में फैलाना है। सब जगह हमारे जो कार्य हैं वो अपनी हिंदी भाषा में ही होने चाहिए। सुत सौतिय सौमित सौ भृत्यन सौ दिन राते, जो भाषा मथ कीजिए निज मन की बहुबात। भारतेंदु हरिचंद जी कहते हैं कि हमें अपने पुत्र से, पत्नी से, तिया माने पत्नी, मीत मित्र से, भ्रत्यन भाइयों से जो हम दिन रात बात करते हैं, कोई अंग्रेजी में करता है, कोई उर्दू में करता है, कोई मलयालम में करता है, लेकिन हमारी जो निज भाषा क्या है, वो हिंदी है। हमें उसी भाषा में, जो भाषा मत कीजिए निज मन की यह बात, तो हमें अपने मन की बात को अपनी ही भाषा में कहना चाहिए, जिससे कि वो उसकी समझ में ठीक प्रकार से आ जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि गांव का व्यक्ति है और वो अंग्रेजी जानता नहीं है, और हम उसके सामने अंग्रेजी में बात करते हैं, तो वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं करेगा, और यदि हम उससे हिंदी में बात करेंगे तो वो हमारी बात को समझेगा और हमारी बात का मनन भी करेगा और सुनेगा भी। निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार, सबे बढ़ावहुँ बेग मिले कहत पुकार पुकार। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि निज भाषा अपनी भाषा का, निज धर्म अपने धर्म का, निज मान
अपना मान।